आईनेस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक शर्मा, एग्जीक्यूटिव एडिटर, और आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। पहली बार भारत यात्रा में आ रहे हैं और अब से सिर्फ 36 घंटे से भी कम बचे हैं, यानी शनिवार ख़त्म हो रहा है, कल रविवार है और सोमवार की सुबह डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स वन से लैंड करेंगे सीधे अहमदाबाद। पूरी बारात होगी और उस बारात में घर वाले भी होंगे और सरकार वाले भी होंगे। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे, हमारी वरिष्ठ सहयोगी हैं आरती टिक्कू सिंह, फॉरेन अफेयर्स एडिटर हैं और बड़ी बारीक निगाह रखती हैं फॉरेन अफेयर्स पे कई बरसों से। तो जो आपको जानकारी मिलने वाली है, मुझे लगता है कि एकदम सटीक स्पेसिफिक जानकारी मिलेगी, क्योंकि आप तमाम अखबार देखकर और टेलीविज़न के शो देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर ट्रंप आ क्यों रहे हैं, मोदी बुला क्यों रहे हैं, क्या बातचीत होने वाली है इन दोनों शीर्ष नेताओं के बीच में। तो आरती सब कुछ बताएंगे और भीतर की जानकारी आपको देंगी। आरती, बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय निकाला इस बिजी शेड्यूल से अपने। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि यूएस में बेसबॉल तो सुना है, बास्केटबॉल भी सुना है, एथलेटिक्स भी, क्रिकेट नहीं सुना, लेकिन ये क्रिकेट डिप्लोमेसी कैसी? मोटेरा स्टेडियम, ट्रंप क्रिकेट स्टेडियम में आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने। देखिए दीपक जी, ये मोटेरा का जो स्टेडियम है वो सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये कोइंसिडेंस है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप उस टाइम पे आ रहे हैं जब ये कंप्लीट हो चुका है ये स्टेडियम, और उसी का एक इनॉग्रेशन सेरेमनी के टाइम पे ये आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मोदी और ट्रंप जो है वो बहुत ही ज़्यादा यकीन करते हैं ऑप्टिक्स में। उनकी जो क्राउड पुलिंग इफेक्ट है, उनकी जो आउटरीच है अपने फैंस के लिए या अपने सपोर्टर्स के लिए, उस पर्सपेक्टिव से स्टेडियम का जो ग्रैंडनेस है तो उसमें वो फिट बैठता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो री इलेक्शन के लिए इस साल के आखिर में नवंबर में इलेक्शंस वहाँ होंगे, और उनका जो अभी काफ़ी टाइम से वो जिस तरह से कैंपेनिंग चला रहे हैं और जिस तरह से वो मैसेजिंग दे रहे हैं अपने वोटर्स को, कंस्टिट्यूएंसीज को, वो अपने आप को एक बहुत ग्रैंड लेवल पे पेश कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी प्रोमिसज कमिटमेंट्स अपने कंस्टिट्यूएंट्स को की थी इलेक्शन पिछले इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, वो उन्होंने कंप्लीट किए हैं। और सबसे बड़ा जो उनका एक मेन एजेंडा ये भी था कि वो जितने भी इन यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं या जितने भी पार्टनर्स हैं उनके साथ वो रीनेगोशिएट करेंगे टर्म्स। तो मेरे ख्याल से ये टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है। एक तो ये कि अपने वोटर्स और कंस्टिट्यूएंट्स को वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो एक ग्लोबल स्टेज पे भी रिकग्नाइज हो रहे हैं और ग्लोबल स्टेज पे भी उनके इतने ज़्यादा एडमायरर्स और सपोर्टर्स हैं, और दूसरा ये कि वो एक स्ट्रेटेजिक और ट्रेड रिलेशंस जो ओवरऑल इम्प्रूव हुई है इंडिया के साथ उसको भी वो आगे ले जाना चाहते हैं। एक चीज़ अभी मैं पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा था, अमेरिका का प्रमुख अखबार है, उसने एक हेडलाइन दिया है कि इंडिया इज सेट टू स्टेज एन एपिक शो विद ट्रंप एज स्टार। ट्रंप जो हैं वो एक स्टार की तरह उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और ज़ाहिर तौर पे अमेरिका देखेगा, अमेरिकन मीडिया एक बड़ी तादाद में इस इवेंट को कवर करने जा रही है। आपको लगता है कि जो हाउटी मोदी था ह्यूस्टन में और उसके बाद इतने ग्रैंड स्केल में वहाँ किया गया, इंडोर स्टेडियम भर दिया उन्होंने, उसका नाम हाउडी मोदी था और अब नाम रखा गया है नमस्ते ट्रंप, तो ये एक पार्ट टू है? और दोनों नेता हैं कहीं ना कहीं, ट्रंप आपने कहा कि इलेक्शन की भी तैयारी है और इम्पीचमेंट के उलझनों से भी बाहर निकले हैं बड़ी मुश्किल से, और मोदी भी एंटी मुस्लिम जो एक मैं कहूँगा कि जो स्टर है पूरे देश भर में, जो प्रोटेस्ट हो रहा है सीएए का, उसकी आँच भी मोदी पर है। तो दोनों शीर्ष नेता कहीं ना कहीं एक अच्छी पीआर प्लेटफॉर्म की इनको ज़रूरत है, और ये प्लेटफॉर्म उनको ये विजिट दे रहा है।
बिल्कुल प्लेटफॉर्म दोनों लीडर्स को चाहिए. दोनों लीडर्स माने जाते हैं डिसरप्टर्स पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के, और इसमें काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी फेस कर रहे हैं. ट्रंप यूएस में फेस कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया में फेस कर रहे हैं सीए की वजह से, या कश्मीर में जो डिसीजन लिया गया अगस्त 5 को उसकी वजह से. प्रेसिडेंट ट्रंप को बैकलैश इस टाइम पे दो तीन चीज़ों का है. एक तो उनके खिलाफ जो एक्यूजिशन, जैसे आपने कहा इम्पीचमेंट में ये लगाए गए कि वो फॉरेन फोर्सेस का सपोर्ट लेते हैं इलेक्शंस पे इम्पैक्ट करने के लिए, जो डोमेस्टिक इलेक्शंस है. और दूसरा अभी एक और जो इशू उनके सामने रहा है कि तालिबान और यूएस बहुत टाइम से नेगोशिएट कर रहे थे और एक पीस डील की बात कर रहे थे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो यूएस ट्रूप्स को अफगानिस्तान से निकालना चाहते हैं. ये अलग इसकी एक डबल मैसेजिंग है. एक तो ये कि वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स को बताना चाहते हैं कि यूएस जो है, यूएस ने अननेसेसरली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और बहुत ज़्यादा अपना खून बहाया अफगानिस्तान में, हासिल उनको वैसा कुछ हुआ नहीं, विक्ट्री नहीं हासिल हुई, एक डिफीट है. लेकिन अब वो उस डिफीट को थोड़ा टर्न करने की कोशिश में लगे हैं, ये जता के कि वो उन्होंने पीस डील तालिबान के साथ कर ली. लेकिन तो मैं आपको यहाँ टोक रहा हूँ. मेरे ख्याल 29 फरवरी को जो तालिबान और यूएस उनके बीच में ये पीस डील होने वाली है. ऐसा तो नहीं है कि यूएस जब अपनी फोर्सेस वापस लाए तो एक जगह पाकिस्तान को मिले पांव पसारने के अफगानिस्तान में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होने वाला है? और क्या अगर ऐसा फ़ायदा होता है पाकिस्तान को तो मोदी इस दोस्ती को देश के लिए कहीं ना कहीं कैश करेंगे? देखिए, इसमें इंडिया से ज़्यादा तो यूएस को ही खतरा है कि अगर यूएस अपने सारे ट्रूप्स निकाल के अफगानिस्तान पाकिस्तान को हवाले करता है, जैसे कि हिस्ट्री में पहले भी हुआ है, जब यूएस ने सीआईए ने तालिबान की मदद की यूएसएसआर को अफ़गानिस्तान से निकालने की, उस वक्त जो है अमेरिका ने ये नहीं देखा कि वहाँ पे तालिबान क्या करने वाला था. तो अफ़गानिस्तान एक रेफ्यूज बन गया अलकायदा के लिए, अफ़गानिस्तान एक रेफ्यूज बन गया वो सारे एलिमेंट्स जो अल्टीमेटली जिन्होंने यूएस को अटैक किया 11 सितंबर पे. तो यूएस को उतना ही खतरा है, मैं मानूंगी कि इनफैक्ट ज़्यादा खतरा है कंपेयर टू इंडिया. और मोदी को अगर मोदी कैश अभी नहीं कर सकते हैं ये सिचुएशन को, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बेशक ग्रे लिस्ट पे हो, FATF के जो ग्रे लिस्ट है टेरर फंडिंग की वजह से, बेशक उसमें हो, लेकिन अगर पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस मिल जाती है यूएस विड्रॉल से तो इंडिया का नुकसान है उसमें. पर मैं दोबारा से रिपीट करूंगी कि सिर्फ इंडिया को नुकसान नहीं है, ग्लोबल नुकसान है सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी का और यूएस का सबसे ज़्यादा. नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ट्रंप जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, आखिर राष्ट्रपति है और सबसे शक्तिशाली नेता है दुनिया का, आपको लगता है कि ट्रंप कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेंगे, कहीं ना कहीं इंटरवीन करेंगे अगर उनको लगा कि इस डील का थोड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को मिल रहा है? देखिए, अभी ट्रंप जो है वो हर तरफ एक दूसरे, उनकी जो पॉलिसी आप अगर नोट करें तो वो हर कंट्री को, हर जो भी उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं या अलाइज रह चुके हैं, पहले पाकिस्तान था अब इंडिया माना जाता है अलाय ऑफ द यूएस, वो हर अलाय को आर्म ट्विस्ट करने में लगे हुए हैं. उन्होंने चाइना पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लाया है ट्रेड को लेकर, ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान पे प्रेशर लाया है क्योंकि FATF से वो बाहर नहीं निकल पाए, ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाए. पर साथ ही साथ में वो थोड़े कंसेशंस भी देते हैं. तो ओवरऑल जो ट्रंप की स्ट्रेटजी है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं और अपने टर्म्स और अपने नेगोशिएशंस जो है
उससे वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और पाकिस्तान को गुड ह्यूमर में रखते हैं, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। हाँ, तो दोनों तरफ से ट्रंप की ओवरऑल पॉलिसी रही है कि कैरेट्स और स्टिक्स, एक तरफ से डंडा मारो और एक तरफ से उनको कैरेट दे दो। जी जी, एक चीज और जो अखबारों में पढ़ने में आ रहा है, खासकर अमेरिकन न्यूज़पेपर्स लिख रहे हैं कि कोई डिफेंस डील भी हो सकती है, हालांकि हमको आधिकारिक तौर पर अभी दिल्ली से इस तरह की कोई खबर नहीं मिल रही है, लेकिन एक आशंका व्यक्त किया जा रहा है और इस तरह की कयास लगाई जा रही है कि कोई बड़ी डिफेंस डील, कोई रक्षा सौदा ट्रंप और मोदी के बीच में हो सकता है। देखिए, डिफेंस ट्रेड डील्स जो है वो काफ़ी टाइम से पाइपलाइन में है। 24 हेलीकॉप्टर्स जो इंडिया खरीदने वाला है यूएस से, वो ऑलरेडी उन सब पे बात चल रही है। तो ऑब्वियसली मैंने जैसा कि कहा कि ट्रंप कुछ ऑप्टिक्स के लिए कुछ तो वो लेके जाएंगे इंडिया से, ताकि दिखाएं कि उनकी जो पर्सनल रेपो है मोदी के साथ और इंडिया और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसने यील्ड किया है और ट्रंप की लीडरशिप के अंडर उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट किया है। तो लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी ट्रेड डील होगी अभी। जितने भी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गए या जो भी डील होगी ट्रंप के विजिट के दौरान, बहुत लिमिटेड होगी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे इंडिया कोई जल्दी नहीं करना चाहता है। इंडिया कोई ऐसे टर्म्स पे एग्री नहीं करेगा जो लॉन्ग टर्म में इंडिया को नुकसान पहुंचाए। जी, एक चीज़ और थी, अभी कोलोराडो की एक रैली, यूएस में कोलोराडो में एक रैली में ट्रंप साहब ने कहा कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, और तालियों के बीच उन्होंने कहा कि मैं वहां पर जाकर बिजनेस की बात करूंगा, और अगर मैं उनको कोट करूं तो उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू टॉक बिजनेस इन इंडिया, और फिर उन्होंने मोदी की भी तारीफ करी। तो ये जो बिजनेस की बात करने आ रहे हैं, तो ये बिजनेस किसके लिए बात करने आ रहे हैं? क्या गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन्हीं सब पर बात होगी या कुछ इसके बियॉन्ड हम देखेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये अमेज़ॉन पे एक फोकस ज़रूर रहेगा। अमेज़ॉन का ऑनलाइन रिटेल बिजनेस जो यहाँ पे है, उसमें इंडिया भी कुछ दिन पहले जेफ आए थे, बिल्कुल अमेज़ॉन के मालिक जो हैं, बिल्कुल जेफ बेज़ोस आए थे, और इंडिया के जो आप जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपत्ति उन्होंने एक्सप्रेस की है, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस इफ़ेक्ट हो रहे हैं अमेज़ॉन ऑनलाइन रिटेल की वजह से। जैसे जैसे एजुकेटेड क्लास, लिटरेट क्लास और मोबाइल और इंटरनेट शॉपर जो है वो अमेज़ॉन पे शॉपिंग करते हैं, और छोटे ट्रेडर जो है उससे उनको नुकसान हो रहा है। तो उसकी वजह से इंडिया ने जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई है अमेज़ॉन ऑनलाइन रिटेल पे, उसके बारे में ज़रूर बात होगी। फेसबुक, गूगल, ये सब इन जो भी जायंट बिजनेसेस हैं उन पे भी ज़रूर बात होगी। पर मुझे लगता है उसके बावजूद पोल्ट्री और डेयरी दो इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पे यूएस एक्सेस चाहता है। उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स पहले भी आ चुके हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी एक्सेस मांगी है पोल्ट्री डेयरी पे। तो यूएस भी एक्सेस चाहता है इन दो एरियाज़ में, और इस पे देखना पड़ेगा कि इंडियन बिजनेसेस को वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या उनका रिस्पांस होगा। पर साथ ही साथ में इंडिया भी मार्केट एक्सेस चाहता है फार्मास्यूटिकल्स के लिए। अमेरिका ने अभी भी, क्योंकि इंडिया जो फार्मास्यूटिकल्स जो है बहुत ही चीप और अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलते हैं फार्मास्यूटिकल्स, तो अमेरिका ने वो मार्केट हमको डिनाई किया हुआ है, उस तरह से आपको रिस्ट्रिक्शंस थे। और प्रेजेंट ट्रंप का ये कहना कि इंडिया जो है टैरिफ किंग है, बहुत सारे टैरिफ्स लगाए हैं यूएस प्रोडक्ट्स पे, यूएस जो भी हम इंपोर्ट करते हैं यूएस से, उस पे भी एक डिसएग्रीमेंट है कि टैरिफ सिर्फ हमने नहीं लगाए, टैरिफ
यूएस ने भी लगाए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, और वो भी अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं जितना कि बाकी कंट्रीज करती है. लेकिन ये कहना कि सिर्फ इंडिया ही प्रोटेक्ट कर रहा है गलत होगा. इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपेर, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया के टैरिफ्स जो है रीजनेबल है. दूसरा ये कि इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अमेरिका की है उसमें भी एक्सेस चाहता है. और भी कई सारे एरियाज है जहाँ पे इंडिया. दो तीन बातें तो आपकी एकदम मुझे लग रहा है स्ट्राइक कर रही हैं. एक तो ये आप कहना चाह रही हैं कि अमेरिका चाहता है कि उसको डेयरी में, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क पाउडर है, चीज़ है, इस तरह के जो भी दूध से जो उत्पादन होते हैं उसमें यूएस एक्सेस चाहता है. और शायद पोल्ट्री, चाहे हम एग्स की बात करें, चाहे हम चिकन की बात करें, चिकन प्रोडक्ट्स की बात करें, पोल्ट्री में भी एक्सेस मतलब दस्तक देना चाहता है, भारत में एक रास्ता चाहता है. और भारत ये चाहता है कि जो उसकी इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और इतनी सस्ती दवाएँ भारत जो है उसका उत्पादन करता है, वो क्यों ना भेजा जाए. और अमेरिका जो कहीं ना कहीं, आरती अगर मैं सही हूँ, कि किसी ना किसी बहाने से हमारी जो बड़ी दवा कंपनियां हैं, हमने देखा पहले भी देखा कि किस तरह से रैनबैक्सी को रोका गया एक टाइम पर वहाँ पर, और कोई ना कोई जांच बैठा दी वहाँ के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने. तो भारत चाहता है कि वो दरवाजे खुलें, और जब खुलें तो थोड़ी पारदर्शिता हो, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी हो. टेक्सटाइल में किस तरह की अंडरस्टैंडिंग की आप आती बात कर रहे हैं? देखिए, इंडिया का टेक्सटाइल लीजिए या बांग्लादेश का लीजिए या श्रीलंका का लीजिए, लगभग टेक्सटाइल एक जैसा है. पर जो कंसेशंस, अगर आप किसी भी स्टोर में जाएं अमेरिका में, आपको वहाँ बांग्लादेशी टेक्सटाइल मिलेगा, आपको वहाँ श्रीलंका का टेक्सटाइल मिलेगा, लेकिन इंडिया का टेक्सटाइल बहुत लिमिटेड होता है. जी. तो उस लेवल पे एक एक्सेस मिल सकता है. लेकिन यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो उनका मेजर कंप्लेंट रहा है कुछ सालों से कि देयर इज़ अ ट्रेड डेफिसिट, कि उन्होंने शुरुआत में कुछ साल पहले कहा कि 65 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ यूएस का, लेकिन वो ये एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट कल जो उन्होंने स्पीच दी और परसों भी जो स्पीच दी कि ट्रेड डेफिसिट है, टैरिफ्स है, लेकिन ये वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि कुछ सालों में ही, दो चार सालों में ही 65 बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट नीचे गिर के आया है 25 बिलियन डॉलर्स पे. जी. तो वो जो गैप है वो कवर हो रहा है, बहुत ही रैपिडली कवर हो रहा है. ये एक्नॉलेजमेंट शायद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ट्रंप ने अपने कंस्टिट्यूएंट्स को जो उनका रेटरिक है या जो वो बेच रहे हैं अपने वोटर्स को, वो फिट नहीं होता. तो उस लिहाज से भी वो इंडिया पे प्रेशर बनाना चाहते हैं और वो मैक्सिमम गेन करना चाहते हैं, क्योंकि हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ट्रंप एसेंशियली बिजनेसमैन है. उनकी जो फैमिली है, इवांका है, उनके जो सन इन लॉ है जेरेड कुशनर, ये फैमिली ही कंट्रोल करती है इनके सारे ट्रेड डील्स. आपको लगता है कि चूंकि अमेरिका में चुनाव हैं साल, और चुनाव में अपने को एक बिजनेसमैन प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अमेरिका के लिए, आई वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट, मैं अमेरिका को और बड़ा करना चाहता हूँ, महान बनाना चाहता हूँ, और इसलिए वो कुछ ऐसा लाभ चाहते हैं भारत से जो वहाँ की बिजनेस कंपनियों को, वहाँ की आईटी कंपनीज को मिले, और फिर उसको जाके वो प्रोजेक्ट करें जो रैलीज अभी और उन्हें करनी है पूरे अमेरिका भर में. बिल्कुल. देखिए, चाइना के बाद सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, और सिर्फ यूएस नहीं, यूरोप, जिस भी कंट्री को देख लीजिए वेस्ट में आज जो है, उनकी नज़र चाइना और इंडिया के मार्केट्स पे है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने कंज्यूमर्स है, जितना आप और इंडिया, बेशक इन लोगों ने, यूएस ने हमको डेवलपिंग स्टेटस से हटाकर डेवलप स्टेटस में डाल दिया है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, इंडिया में एनर्जी की ज़रूरत है. तो उस वो सारे जो एरियाज़ है अमेरिका देख रहा है कि
क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, वहाँ कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से. इंडिया में वो कैपेसिटी है अभी बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ बढ़ाने की. तो बिल्कुल जो प्रेजिडेंट ट्रंप ने कहा पिछले 2-3 स्टेटमेंट्स दे हैं कि वो एक बहुत बड़ी ट्रेड डील करेंगे. ये ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन के बाद हो, लेकिन वो एक एश्योरेंस इंडिया से लेना चाहते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड डील हो जिसमें अमेरिका का बहुत फ़ायदा हो. यानी सिर्फ एक स्टार के तौर पे, एक सेलिब्रिटी के तौर पे, एक बहुत शक्तिशाली नेता के तौर पे सिर्फ वो प्रोजेक्ट होने नहीं आए हैं, वो हिंदुस्तान से कुछ लेने आए हैं और लेकर वापस जाना चाहते हैं और वापस वहाँ पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं. आरती से बहुत ज़बरदस्त जानकारियाँ मिल रही हैं, बहुत भीतर की जानकारियाँ मिल रही हैं. उनसे पता लग रहा है कि ये जो बिज़नेस है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, फार्मास्यूटिकल हो, पोल्ट्री हो और डेयरी हो, या तो और हम इनसे ज्ञान लेते रहेंगे. लेकिन एक सवाल जो दर्शक देखना हमारे चाह रहे होंगे कि भाई इस बारात में, चलिए वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे, वहाँ के और बड़े पॉलिटिशियंस होंगे, परिवार से कौन आ रहा है? क्योंकि परिवार में ऐसा कहा जा रहा है कि मेलिना ट्रंप वो भी आ रही हैं, उनकी बेटी भी आ रही हैं, दामाद भी आ रहे हैं. तो ये जो कुनबा, ये जो परिवार आ रहा है, इसका क्या मतलब, कुछ इसको पहली बार लाके इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा फैमिली पे विश्वास करते हैं और उनका, उनकी जो डॉटर है इवांका और सन इन लॉ है जेरेड कुशनर, वही उनके एसेंशली ट्रेड डील्स बिजनेसेस देख रहे हैं. वो सिर्फ फैमिली नहीं है, वो उनके ऑफिशियली जो है ऑफिशियली एडवाइजर्स है ट्रेड और बिजनेस से रिलेटेड. इनफैक्ट उनके जितने भी यूएस के जितने भी ट्रेड डील्स हो रही हैं उसमें आप देखेंगे इवांका और जेरेड कुशनर पीछे से बैक रूम चैनल से वो एक इन्फ्लुएंस करके वो ट्रेड डील सिक्योर कर रहे हैं. वो चाइना के साथ उनको ऑलरेडी एक राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुई, उसमें भी माना जाता है कि जेरेड कुशनर का बहुत बड़ा रोल था. अभी भी जो सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस है विद चाइना, ऑलरेडी पहले राउंड ऑफ नेगोशिएशंस में उन्होंने चाइना को एग्री करवा लिया कि वो अपने टैरिफ्स जो है वो रिड्यूस करेंगे अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, जबकि यूएस कोई टैरिफ्स रिड्यूस नहीं कर रहा है. तो जो जेरेड कुशनर और इवांका का वो रोल है वो सिर्फ फैमिली नहीं है, वो एसेंशली ट्रंप का जो बिजनेस साइड है और जो ट्रेड और इकोनॉमी पे फोकस है यूएस में, वो वही लोग एग्जीक्यूट करते हैं. और मेरे ख्याल परिवार जो है उनका चुनाव का प्रचार, वो भी बागडोर उन्हीं के हाथ में होगी, परिवार के. बिल्कुल, देखिए अमेरिका में बेशक हम एक इंडिया में एक शायद एक ये इम्प्रेशन है कि वेस्ट में फैमिली मैटर नहीं करते, लेकिन जो भी पब्लिक ऑफिस में यूएस में हो उनकी फैमिलीज मैटर करती है जी. और वो फैमिली प्रोजेक्शन जो है एक वैल्यू माना जाता है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, वो बराक ओबामा हो या बिल क्लिंटन हो. एक सैंक्टिटी मिलती है, एक सैंक्टिटी जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और फैमिली में जी. वो मानी जाती है स्पेशली रिपब्लिकन्स में. बट ये सिर्फ रिपब्लिकन्स तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेट्स को देखें, ओबामा ने भी अपनी फैमिली को काफ़ी प्रोजेक्ट किया. इनफैक्ट जब ओबामा आए थे वो अपनी वाइफ को लेकर आए थे, फर्स्ट लेडी को लेकर आए थे. तो मिलेनिया भी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ आ रही है, उनकी बेटी बेटा. तो एक ये बहुत बड़ा वैल्यू, कोर वैल्यू है अमेरिकन फैमिली लाइफ में. आरती, तमाम जानकारियाँ आपने दी और कई जानकारियाँ तो मुझे लगता है पहली बार मैं खुद सुन रहा था और हैरान था जब आपने बिजनेस और ट्रेड टॉक्स की बात करी. और आरती जी का हम लाभ आप लोगों के लिए लेते रहेंगे. इनको मैं दबाव इन पर बनाता रहा, भाई बहुत बिजी हैं 36 घंटे में, इनके पास समय बिल्कुल नहीं है. लेकिन INS के दर्शकों की तरफ से, जो हमारे इतने लाखों दर्शक हैं, हम उनकी तरफ से इन पर दबाव बनाएंगे और हम चाहेंगे कि आरती जी हमारे साथ जुड़ें. और ये जो आने वाले 36 घंटे हैं, जब ट्रंप आ रहे होंगे मंडे को और उसके बाद ताजमहल जाएंगे, क्योंकि ताजमहल का टॉपिक हमने बिल्कुल छोड़ दिया,
राष्ट्रपति भवन में जो उनका डिनर होना है, मौर्या में वो कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, इन सब पर भी बात होगी स्ट्रेटजी के अलावा। तो फिलहाल क्योंकि अब समय ज़्यादा हो रहा है और हमें इशारा हो रहा है कि हम प्रोग्राम को धीरे धीरे क्लोज करें, तो आपसे इजाज़त का वक्त है, लेकिन आरती टिक्कू सिंह के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। और ये जो ट्रंप नामा है जिसको हम कवर कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स आगरा में भी हैं, अहमदाबाद में भी हैं, यूएस में भी हैं और दिल्ली में आरती हैं ही, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आप हमारे इस ट्रंप नामा शो में आते रहिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब बिग नमस्कार।